जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए खाना बनाना सब किसी और की जिम्मेदारी है। इसका हक मैंने किसी और को दिया हुआ है और ये हक हमेशा उसका ही रहेगा। कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी या किसी की भी जगह लेना चाहती हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विराट? ये बोलकर तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं ये सब करने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे, ये सब सोच के नहीं आई थी। लेकिन ये सब तुमने अपने दिमाग में भर लिया है। सॉरी, मुझे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज तुम ये खाना लेकर जाओ, मुझे सच में कुछ नहीं खाना है अभी। हम सबने विराट को पहचानने में गलती की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। सही जीजू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे आबा की तरह है। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र है सही। अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा। और तुम हो के उसे ही बचाने में लगी हुई हो। जीजू, मेरे आबा ने मुझे सिखाया था कि हमेशा वो करो जो दिल को सही लगे। पता नहीं क्यों मुझे दिल से लग रहा है कि विराट सर को मुझे इस मुसीबत से निकालना चाहिए। सही, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अभी भी तुम्हारे दिल में विराट के लिए फीलिंग्स हैं। हाँ शायद है, इसलिए मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो। और वो भले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। उन्होंने तब मेरा साथ दिया था जब मेरे साथ कोई नहीं था। जीजू, मैं उनकी मदद इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो अभी खुद की मदद नहीं कर सकते। और एक बुरे इंसान को उसके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिले, ये भी तो सही नहीं है ना। और जीजू, अब वो अकेले नहीं है, उनके साथ दो और जिंदगियां जुड़ी है। श्रुति और साहस की इसमें क्या गलती है? और हमें तो पता भी नहीं है कि श्रुति उनके पास के बारे में जानती है या नहीं। विराट सर की वजह से उन दो मासूमों को तो सजा नहीं दे सकते। तुम सजा दे रही हो सही, विराट का साथ किसी सजा से कम है क्या? और तुमने कितनी आसानी से विराट को डिवोर्स देकर उसे आजाद कर दिया ताकि वो अब आराम से श्रुति के साथ रह सके। उसने तुम्हें छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गया वो। अब ना ही उसे अपनी पुरानी जिंदगी से कोई मतलब है और ना ही अपनी पुरानी गलतियों का हिसाब देने की चिंता। ठीक उसी तरह जैसे उसने पत्र लिखा और अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू की थी। अब पाखी दीदी और मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि शायद तुम दोनों की सिचुएशन भी एक जैसी है। पत्र लिखा ने भी वही गलती की जो तुमने की। एक गलत इंसान से प्यार किया, विराट ने उसे छोड़कर तुम्हारे साथ मूव ऑन कर लिया और सही अब तुम्हें छोड़कर श्रुति के साथ मूव ऑन कर चुका है। तुम अब उस किनारे पर खड़ी हो जहां पर पहले पत्र लेखा खड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त दूसरे किनारे पर तुम विराट के साथ थी और आज श्रुति है और विराट ने श्रुति के साथ अपनी गृहस्थी बसा ली है और तुम और पत्र लेखा इस तरफ विराट का इंतजार कर रहे हो। क्या पता बाद में जाकर विराट श्रुति को भी छोड़ दे और वो भी इस तरफ आकर तुम्हारे साथ उसकी राह देखती रहे और विराट किसी और के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा ले। जीजू, आप ये क्या कह रहे? सही कह रहा हूं मैं, विराट है ही ऐसा एक धोखेबाज इंसान। सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी धोखेबाजी कभी नहीं छोड़ता। देख लेना सही, एक दिन वो श्रुति को भी छोड़ देगा। क्या कर रही हो? फीवर चेक कर रही थी। तुम
तुम्हारी तबीयत खराब है। किस्मत खराब है मेरी, इसका कोई इलाज नहीं है, जाके सो जाओ। ऐसे कैसे मैं जाकर सो जाऊं विराट? श्रुति प्लीज प्लीज जाओ प्लीज। ऐसे नहीं रह सकती हूँ विराट, इससे अच्छा तुम्हें जेल चली जाओ, कम से कम मुझे वहां कम तकलीफ होगी। तकलीफ? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है अब? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ विराट, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम मुझसे दूर भाग रहे हो ऐसे कि जैसे मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगी। तुम्हें लगता है विराट उस बच्चे से अटैच्ड है? नहीं सही, तुम देख लेना, एक दिन विराट श्रुति के साथ साथ उस बच्चे को भी छोड़ देगा। मैं आपका गुस्सा समझती हूँ जीजू, लेकिन मैं अपनी किस्मत से तो नहीं भाग सकती ना। यही तो प्रॉब्लम है सही, तुम अपने हालात के लिए विराट को नहीं अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहरा रही हो। देखो सही, मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहूंगा, तुम्हें विराट को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाना होगा, उसके होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ जीजू, कभी कभी तो सोचती हूँ कि घर चुरोली वापस चली जाऊं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। जब तकलीफ देने वाले को दिल में जगह दे दो, उसके बाद किसी भी जगह चले जाओ, सुकून नहीं मिलता। आप कहां भी जाओ, वो दर्द वो तकलीफ आपके साथ ही जाती है। सही, पुरानी किताबों में नई कहानियां नहीं लिखी जाती, उसके लिए नए पन्ने तलाशने होते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ जीजू, इसलिए मैं अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर, अपने एग्जाम्स पर देना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती, मेरे करियर के अलावा मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, मेरी जंग खुद से है, इसलिए मैं विराट सर के साथ कोई जंग नहीं शुरू करना चाहती। मैं चाहती हूँ वो अपनी जिंदगी की हर जंग जीते, ताकि उनका और मेरा कभी आमना सामना ही ना हो। I'm sorry, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा बोल दिया है, जो नहीं बोलना चाहिए था मुझे। सच कहूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, गलतियाँ हो रही हैं मुझसे। समझ सकती हूँ विराट, रिश्ता टूटना इंसान को अंदर से झिंझोड़ देता, लेकिन मैंने तुमसे कहा था विराट कि ये गलत फहमी दूर कर दो, किसी भी रिश्ते में गलत फहमियाँ मजबूत से मजबूत रिश्ते को तोड़ देती हैं विराट। सही ने वादा किया था कभी मुझे गलत नहीं समझेगी, कभी नहीं, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज ऐसे हालात हो गए कि वो मेरा यकीन करने से इनकार कर रही है, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि सही मुझे इतना लाचार महसूस करवाएगी। हम दोनों के बीच रिश्ते की जो वो एक डोर थी वो भी उसने तोड़ दी, कुछ नहीं है हमारे बीच में, हम कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं रहा है मेरे, कुछ नहीं बचा है मेरी जिंदगी, चली गई वो ऐसी। आज पहली बार तुमने
मुझसे अपने दिल की बात शेयर की है। बस तुम्हें इतना ही कहूंगी कि तुम्हें कभी भी कुछ भी शेयर करना हो ना तो मैं हूं, लेकिन प्लीज तुम अभी खाना खा के दवाई खा लो विराट। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ का असर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ पे पड़े। सॉरी, मुझे जाना है। सॉरी। हाय सर। मैं कब से सोच रहा था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विराट ने जो हरकत की है इसलिए। इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, और जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहता है। सही, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह माना है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं इतनी शांति से नहीं बैठता। सर, कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही जुड़ते हैं, और उनके टूटने पर ना बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि एक औरत की जिंदगी एक मर्द के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये रिश्ता टूट जाने से मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई है ना, और मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम विराट के लिए कोई फेवर मांगने तो नहीं आई? नहीं नहीं सर, मैं उनके लिए कोई फेवर मांगने नहीं आई हूँ। मैं तो वो अखबार में खबर पढ़ी, वो पढ़ के आई हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि विराट सर इतनी इम्पोर्टेंट बात अपने सीनियर्स को कैसे नहीं बताई। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। कैसी बात? यही कि विराट सर और मैं तो बहुत पहले अलग हो गए थे। हाँ, उन्होंने किसी और औरत के साथ रिश्ता जोड़ा, लेकिन मुझसे अलग होने के बाद जोड़ा, तो ये तो गैर कानूनी नहीं है ना, जैसे अखबारों में छपाए। मैं ये बात नहीं मानता। लेकिन अभी जो मैं आपको सबूत दिखाऊंगी ना, उससे उससे आप सब समझ जाएंगे और आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डिवोर्स सर्टिफिकेट? जी, पता नहीं विराट सर ने आपको क्यों नहीं बताया, लेकिन देखिए आप उस पर डेट भी देख सकते हैं। इस डेट के हिसाब से तो तुम दोनों का डिवोर्स हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। यस सर। तो फिर तुम विराट के घर में कैसे रह रही थी? घर वालों की वजह से सर। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं कहीं जाऊं घर छोड़कर। और सर, शायद आपको पता नहीं है कि विराट सर और मेरी शादी एक डील है, मतलब डील थी। जाने से पहले आबा मेरी जिम्मेदारी विराट सर को दे गए थे, और गांव वालों ने उनसे कहा था कि अगर वो मुझे वहां से अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो बेचारे तो वहां पोस्टिंग के लिए आए थे, लेकिन आबा से किया वादा निभाने के लिए उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। और विराट सर ने मुझसे कहा था कि जैसे ही मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। हम दोनों को ही पता था सर कि ये रिश्ता टूटने ही वाला है। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने खुद देखा है तुम्हें विराट के लिए परेशान होते हुए, और विराट को हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए तड़पते हुए, पब्लिक से लड़ते हुए। सर, दो लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। हम अच्छे दोस्त हैं इसलिए एक दूसरे की परवाह करते हैं, उसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं था। तो विराट ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? उनके पास शायद ये डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सबमिट नहीं कर पाए। तुम सच बोल रही हो या विराट को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है? मैं सच कह रही हूँ सर। तो तुम्हारा मतलब तुम ये कहने आई हो विराट ने उस औरत के साथ रिश्ता तुमसे ऑफिशियली डिवोर्स लेने के बाद बनाया? हाँ सर, मैं यही बताने आई। बैठो। मैंने जब भी तुम्हें देखा है हमेशा सही का साथ देते देखा है। मुझे हमेशा लगता था जहाँ सही है वही साइड सही है, लेकिन आज तो मुझे सही नहीं लग रही। पता नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या खुद से झूठ बोल रही हो। चलो एक मिनट के लिए तुम्हारी ये बात मैं मान लूं। मुझे ये समझ नहीं आता कि विराट ने ये बात अपनी सफाई के लिए खुद क्यों नहीं कही। वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन सर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो एकदम सच है, इसलिए
आपने विराट सर पर जो भी इल्जाम लगाए हैं, जो भी चार्जेस लगाए हैं, वो हटा दीजिए और उनका सस्पेंशन भी कैंसिल कर दीजिए। तुम आजकल रह कहाँ रही हो? मैं हॉस्टल में रह रही हूँ सर। और सर, मैंने ना विराट सर को भी समझा दिया है कि वो जल्दी श्रुति से शादी कर ले, और अब तो उन दोनों का एक बच्चा भी है। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। मैंने खुद विराट की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? विराट सर के बारे में सोच रही थी सर। ये सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गए। उनका परिवार ये बात मानने को ही नहीं तैयार कि हमारी शादी एक डील थी, और वो सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी जगह किसी और को उनकी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, विराट और उस औरत का रिश्ता कब से है? शादी से पहले से, हमारी शादी से पहले से। सही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों और चेहरे से तो नहीं लग रहा। मैं चलती हूँ सर। एक मिनट। सही हो सकता है आज तुम झूठ बोलकर विराट को बचाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में अभी भी विराट के लिए प्यार देखा है। मैं ऑफिशियली तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं दिल से जानता हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ है, कुछ खास है जो मैं बुला नहीं पाता हूं। सब कुछ तो न्यूज़पेपर में छप गया था, ऐसा तो क्या रह गया कि तुम्हें खुद डीआईजी सर के पास आना पड़ा? मुझे डीआईजी सर को मिलके कुछ बताना था पर्सनली। मतलब कैसे मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ, गलत तो किया। मैंने डीआईजी सर से क्या बात की है वो पूछने का आपको कोई हक नहीं है। पूछ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम यहाँ गवाही देने आई होगी, ये कहने आई होगी कि जो न्यूज़पेपर में लिखा है वो सच है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, धोखा दिया है तुम्हें, और मुझे मेरी नौकरी से निकाल देना चाहिए। वाह, एकदम करेक्ट गेस किया आपने। कहीं आप छुप कर हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे? ये बहुत गलत हरकत है विराट। ओह सॉरी, गलत हरकतों की तो आदत पड़ चुकी है ना आपको। कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। कौन कह रहा है आपको बर्दाश्त करने के लिए? आपकी नई जिंदगी है ना, उस पे ध्यान दीजिए। बाय द वे, कैसी है आपकी बीवी और बच्चा? बहुत कुछ है ना तुम्हारे पास मुझे बोलने के लिए, सुनाने के लिए। तुम्हारी नजरों में मैं बहुत गलत हूं। कोई बात नहीं, जिस दिन तुम्हें सच का पता चलेगा तुम खुद समझ जाओगी कि विराट जवान ने कुछ गलत नहीं किया, ना तुम्हारे साथ ना परिवार के साथ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। अभी मैं चलती हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है इंसान को समय से चले जाना चाहिए, वरना हालात खराब हो जाते हैं, बद से बदतर हो जाते हैं। शो, तुम्हें जाना है ना, जाओ। वैसे भी तुम अपनी मर्जी से ही गई थी। आपको लगता है आपको मुझे रोकने का हक भी था? मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमने ना तो मेरी बात सुनी ना ये फैसला लेने से पहले मेरे बारे में सोचा। तो मैं क्या सोचता हूँ उससे तुम्हें क्या ही मतलब है? क्या बात है, जिस रिश्ते को आप छोड़ सकते हैं मुझे इस रिश्ते को तोड़ने का भी हक नहीं है। खैर, ये बात जाने देते, आप उन पर ध्यान दीजिए जो अब आपकी जिंदगी में। और ये लीजिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट। क्या पता आपको कब इसकी जरूरत पड़ जाए। ये डॉक्यूमेंट इकलौता ऐसा कागज है
जो आपको इन सब मुसीबतों से बचाएगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.